हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल सिविल की बात में स्वागत है। तो दोस्तों, हम आपको आज ये बताएंगे कि मतलब जो स्लैब हम लोग कास्ट करते हैं, मतलब जो हम लोग छत ढालते हैं, तो उसमें कितना सरिया लगता है, उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, कितने नंबर ऑफ मेन बार है, कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार है, तो हम आपको आज अपने वीडियो में ये बताएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग एक एग्जांपल के लिए एक 5 मीटर बाय 4 मीटर का एक छत का एग्जांपल बना लिए हैं। तो उसमें मेन बार कितना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना पड़ेगा, हम आपको यहाँ पे आज निकाल के दिखाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्लैब रेइंफोर्समेंट डिटेल में दिया हुआ है, मेन बार जो आपका है वो 12 mm डाया का है और 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे पड़ा हुआ है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो 10 mm डाया का है और 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे डाला गया है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि मेन बार जो होता है वो हमेशा शॉर्टर स्पैन पे पड़ता है। तो ये आपका जो शॉर्टर स्पैन है वो आपका 4 मीटर वाला डिस्टेंस है। तो ये जो 4 मीटर वाला डिस्टेंस है ये आपका शॉर्टर स्पैन है, और जो लॉन्गर स्पैन है वो आपका 5 मीटर वाला डिस्टेंस है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि नंबर ऑफ मेन बार निकाल लेना है। तो देखिए, देखते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ मेन बार, तो नंबर ऑफ मेन बार निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपको आपसे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ मेन बार मतलब शॉर्टर स्पैन पे कितना सरिया पड़ेगा, तो शॉर्टर स्पैन पे कितना सरिया पड़ेगा वो कौन सी दूरी डिसाइड करेगी, ये दूरी डिसाइड करेगी, मतलब 5 मीटर डिसाइड करेगी। तो इसलिए 5 मीटर अपान मेन बार कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे पड़ा हुआ है। तो इसलिए आप इसको यहाँ पे 200 mm कर दीजिए। अब जब 5 मीटर को आप mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आएगा 5000 mm, और इसको फिर 200 mm से आपको डिवाइड कर देना है। तो mm से mm कट गया, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 25, मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ मेन बार जो है वो 25 है, 25 नंबर ऑफ मेन बार। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको निकालना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होता है दोस्तों हमेशा वो लॉन्गर स्पैन पे पड़ता है। तो लॉन्गर स्पैन आपका क्या है, ये 5 मीटर है। तो इसमें कितने डिस्ट्रीब्यूशन बार पड़ेंगे, ये कौन सी डिस्टेंस आपकी तय करेगी, वो आपकी डिस्टेंस जो तय करेगी वो 4 मीटर डिस्टेंस तय करेगा, कि मतलब आपका कितना इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार पड़ेगा। तो इसलिए आपको नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार भी सेम इसी प्रोसेस से निकाल लेना है। तो इसलिए नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 मीटर को सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग से डिवाइड करना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 मीटर, और डिस्ट्रीब्यूशन बार कितने स्पेसिंग पे पड़ा हुआ है, 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे पड़ा हुआ है। तो आपको यहां लिख लेना है 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अब आप 4 मीटर को जब mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आएगा 4000 mm, और इसको फिर 150 से आपको भाग कर देना है। तो ये mm से mm कट गया, ये 0 से 0 कट गया। अब इसको 400 को आप 15 से डिवाइड कर लीजिए, तो 400 डिवाइडेड बाई 15 आपका आ रहा है 26.66। तो जब आपका 26.66 आ रहा है तो आप इसको 27 बार्स में कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि बड़े ही आसानी से 5 मीटर बाय 4 मीटर के छत में कितने नंबर ऑफ मेन बार पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार पड़ेंगे, हमने यहाँ पे आसानी से निकाल दिया। तो नंबर ऑफ मेन बार जो आपके इस छत में पड़ रहे हैं वो 25 नंबर ऑफ मेन बार पड़ रहे हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार पड़ रहा है वो 27 नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार पड़ रहा है। तो ये आपका मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का कैलकुलेशन बड़े ही आसानी से आपने निकाल दिया। और दोस्तों, सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि इस बार्स को आपस में बांधने के लिए हम लोग जो बाइंडिंग वायर यूज करते हैं वो कितना लगेगा। तो दोस्तों, बाइंडिंग वायर का एक क्राइटेरिया होता है कि 1 मीट्रिक टन
मतलब कि वन मेट्रिक टन रेनफोर्समेंट के लिए, वन मेट्रिक टन रेनफोर्समेंट के लिए आपको जो बाइंडिंग वायर लगता है वो 8 kg to 12 kg लगता है। मतलब कि 1000 किलोग्राम अगर आप सरिया साइड पे बांध रहे हैं तो उसके लिए आपको 8 किलो से 12 किलो तक बाइंडिंग वायर की आवश्यकता पड़ती है। ये पूरी तरह से वेरीफाई है, मतलब ये पूरी तरह से सही है। तो मतलब आपको 1000 किलोग्राम सरिया बांधने के लिए आपको 8 किलोग्राम से लेके 12 किलोग्राम तक आपको बाइंडिंग वायर की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों अब देखिए, तो आपको सरिया जो हमारे लेबर भाई होते हैं या जो मजदूर होते हैं या फिर जो हमारा कॉन्ट्रेक्टर होता है, तो वो सरिया बांधने का क्या रेट लेता है? तो जैसे आजकल का जो रेट चल रहा है, जैसे 6500 रुपए मीट्रिक टन चल रहा है। तो जैसे मान लिया कि आपका एक कॉन्ट्रेक्टर है या ठेकेदार है, वो आपसे 6500 रुपए मतलब 6500 रुपए एक मीट्रिक टन के लिए ले रहा है, एक मीट्रिक टन के लिए ले रहा है। तो दोस्तों पर किलो कितना पड़ा ये आपका? तो आपको पर किलो पे अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है कि 6500 को 1000 से डिवाइड कर देना है। तो इसलिए पर केजी के हिसाब से अगर आपको निकालना है, पर 1 kg के हिसाब से निकालना है, तो ये हो जाएगा आपको 6500 डिवाइडेड बाय 1000। तो आप इसको जब डिवाइड जब करेंगे तो ये आपका आएगा 6.5 रुपीज। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि आपका जो कॉन्ट्रेक्टर होगा वो जब अपने लेबर से, मतलब आपका छत में जो आप सरिया डालेंगे उससे जब आप बंधवाएंगे, तो वो आपसे 1 किलो सरिया के पीछे 6.5 रुपए चार्ज करेगा। तो जैसा कि दोस्तों हमारे एरिया में यही रेट चल रहा है, तो इसलिए मैंने इस रेट को बताया है। ऐसे बहुत से एरिया होते हैं जिसमें कि सरिया को बांधने का अलग अलग चार्ज होता है, लेकिन जो मतलब नियर अबाउट एक मतलब प्राइस है वो यही है कि 6500 रुपए पर मीट्रिक टन के हिसाब से आजकल लोग, कॉन्ट्रेक्टर लोग रेनफोर्समेंट का ठेका लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने बड़े ही आसानी से एक 5 m x 4 m के छत के लिए कितना सरिया लगेगा, कितना मेन बार लगेगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगा, बड़े ही आसानी से हमने निकाल के दिखा दिया। और हमारा जो मतलब एक मेट्रिक टन रेनफोर्समेंट के लिए कितने बाइंडिंग वायर की आवश्यकता होगी, तो वो भी मैंने बता दिया कि एक मेट्रिक टन रेनफोर्समेंट के लिए 8 से 12 किलो आपको बाइंडिंग वायर की आवश्यकता पड़ेगी। और जो आपका जो सरिया बांधने का जो चार्ज है वो कैसे है, मतलब कि लेबर लोग क्या चार्ज करते हैं, तो सरिया बांधने का जो चार्ज है वो 6.5 रुपए पर किलो के हिसाब से आ गया है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस धन्यवाद।